नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज मैंगो फ्रूटी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने तीन आम लिए हैं, ये हापुस आम है और एक कैरी। इसके छिलके हटा के इसकी प्यूरी तैयार करेंगे और इसके भी छिलके हटा के इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये तीन आम की प्यूरी निकली है एक कप, इसे मैंने बिना पानी डाल के पीसा हुआ है और कैरी को मैंने पानी डाल के पीसा है आधा कप। अब सबसे पहले पैन में कैरी की प्यूरी डाल देंगे और मैंगो प्यूरी भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। कैरी फ्रूटी में इसलिए डाली जाती है क्योंकि इसमें फ्रूटी को खट्टा मीठा फ्लेवर मिलता है। आम जितने मीठे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही चीनी डलेगी और फ्रूटी का फ्लेवर भी उतना ही अच्छा आएगा। ये मैंने टेस्ट करके देख लिया है, इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ रहा है तो इसमें 1/4 कप चीनी और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चीनी गलने देंगे। अब हम वापस चेक कर लेते हैं कि चीनी सही है क्या। तो मैंने टेस्ट कर लिया, इसमें 1/4 कप चीनी और डलेगी। चीनी टेस्ट करते ही डालना है। इसमें टोटल 1 कप चीनी डाल दी है हमने। अब इसे चीनी मेल्ट होने तक पकने देंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। इसे मैंने कम से कम 10 मिनट तक पकाया है। अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। अब इसे हम छान लेंगे। ये हमने छान लिया है, इसमें इतना ये गुद्दा निकला है। अब इसे निकाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे। पानी चिल्ड डालना है। दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं हम। इसमें हमने 1 लीटर करीबन पानी डाल दिया है। अभी हमारा तैयार हो गया है। ये हमारी मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।